हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 की पांचवी हेडिंग, प्रकाश अभिक्रिया क्या है। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया क्या है इसके बारे में समझते हैं। प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे कि एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण शामिल है। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में क्या क्या होता है? तो प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश का अवशोषण होता है, जल का विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे कि एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण शामिल होता है। यह सारी क्रियाएं जो हैं प्रकाश अभिक्रिया में सम्मिलित हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अनेक कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया में अनेक कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहां वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन, ठीक है, यहां वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC जिन्हें फोटोसिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट तथा फोटोसिस्टम सेकेंड PS सेकेंड कहते हैं में गठित होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं वर्णक जो है वह दो अस्पष्ट प्रकाश रसायन में जिसको फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं में गठित होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, इसे और क्या कहेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC कहते हैं। ठीक है, इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में। ठीक है, तो यह जो नाम दिया गया है यह इनके खोज के क्रम के आधार पर दिया गया है, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो LHC अर्थात लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं, LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के। ठीक है, तो LHC प्रोटीन जो है उससे जुड़े हुए हजारों वर्णक अणुओं से वह बना होता है। प्रत्येक फोस्टर सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं केवल क्लोरोफिल ए के अणु के सिवा, तथा LHC का निर्माण करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिन्हें एंटेनी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एंटेनी कहा जाता है। चित्र में देखें, यह आपके वर्णकों के अणु हैं, बहुत सारे वर्णक हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के। फोटान इन पर प्रकाश गिर रहा है, फोटान ऊर्जा गिर रही है, सारे वर्णक जो हैं ऊर्जा को इकट्ठा करके रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं, अभिक्रिया केंद्र को दे रहे हैं जो कि P700 P680 हो सकता है। ठीक है, सारे वर्णक जो हैं ऊर्जा को ग्रहण करके, फोटान की ऊर्जा ग्रहण करके अभिक्रिया सेंटर को देते हैं, अभिक्रिया केंद्र को देते हैं, और फिर यहां से यह प्राथमिक ग्राही के पास चला जाता है। यह प्रकाश संग्रहण तंतुजाल को दिखाया गया है जिसे क्या कहते हैं, एंटेनी कहते हैं। यह एंटेनी है जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या है, प्रकाश अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसमें आपने देखा कि प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे कि ATP NADPH का निर्माण शामिल होता है। इस प्रक्रिया में अनेक कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं,
यहां वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिन्हें की फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं, में गठित होता है। ठीक है, इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में। ठीक है, एलएससी प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के, तथा एलएससी का निर्माण करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें एंटेनी कहते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्णक हैं, ये अलग अलग प्रकाश तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाना है। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु क्या बनाना है? अभिक्रिया अणु बनाना है, अभिक्रिया केंद्र बनाना है। ठीक है, तो अभिक्रिया केंद्र कौन बनाता है? क्लोरोफिल ए का एक अणु बनाता है अभिक्रिया केंद्र, रिएक्शन सेंटर, यह क्लोरोफिल ए का अणु बनाता है। ठीक है, बाकी लोग प्रकाश को ग्रहण करके देने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाना है। दोनों फोटो सिस्टम में पीएस फर्स्ट चाहे पीएस सेकेंड में प्रतिक्रिया केंद्र अलग अलग होते हैं। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड में जो प्रतिक्रिया केंद्र होते हैं वे अलग अलग होते हैं। पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है। पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष जो है वह 700 नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं। ठीक है, जबकि पीएस सेकेंड में अवशोषण शीर्ष जो है वह 680 नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P680 कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाना है। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र अलग होते हैं। पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं। जबकि पीएस सेकेंड में अवशोषण शीर्ष 680 नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P680 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।